गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीषा सा, आई एम योर मदर टीचर। तो आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी राइम्स, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, हर राइम्स की क्लास में एक वीडियो क्लास में हम हिंदी राइम्स पढ़ेंगे और वीडियो क्लासेस में हम इंग्लिश राइम्स पढ़ेंगे। तो क्योंकि लास्ट राइम क्लास में हमने इंग्लिश राइम पढ़ा था, आज की राइम क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी राइम। ओके, शुरू करें। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले एक छोटी सी कहानी, ठीक है, और कहानी के ऊपर पढ़ेंगे हम कविता, ठीक। चल, एक कौवा था, बहुत ही गर्मी थी और उस गर्मी में वो कौवा बहुत ही प्यासा था। उसे वहां पे एक जग दिखा जिसमें था थोड़ा सा पानी। अब उस पानी में जब उसने चोंच लगाया तो उसके चोंच में तो पानी आया ही नहीं, क्योंकि उसका चोंच पानी तक पहुंचा ही नहीं, जग के बिल्कुल नीचे था पानी। अब कौवे ने अपना दिमाग लगाया, कौवा तो बहुत होशियार था, उसने अपना दिमाग कैसे लगाया, उसने जग में कंकर भरना शुरू किया, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कंकर भरने शुरू किए। जैसे ही जैसे ही उसने कंकर वो डालते गया, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आता गया। फिर जैसे ही पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा पी सके, कौवे ने जी भर के पानी पिया और फिर वो कौवा प्यासा नहीं रहा और फिर वो उड़ गया। कहानी अच्छी थी। चलो अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे कविता। तो आज की कविता का नाम है प्यासा कौवा। ओके, आज की कविता का नाम क्या है? प्यासा कौवा। चलो शुरू करते हैं। प्यासा कौवा। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, हो गई कहानी, होशियार कौवे की हो गई कहानी, हो गई कहानी, हो गई कहानी। अच्छा लगा? एक और बार गाए? चलो फिर से शुरू से करते हैं। ओके, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, हो गई कहानी, होशियार कौवे की हो गई कहानी, हो गई कहानी, हो गई कहानी। अच्छा लगा कविता? एक बार आप लोग मेरे साथ साथ गाएंगे। ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं। एक प्यासा कौवा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, हो गई कहानी, होशियार कौवे की हो गई कहानी, हो गई कहानी, हो गई कहानी। ठीक है, तो आप लोग इस कविता को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे इसकी कहानी सुनाएंगे क्लास में। ओके, सो प्लीज लर्न दिस राइम। ओके, आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छे से याद करनी है कि कैसे कौवे ने अपने प्यास को बुझाया, उसने कैसे अपना दिमाग इस्तेमाल किया, जग में एकदम थोड़ा सा पानी था, उसको ऊपर लाने के लिए उसने क्या किया, उसने उसमें छोटे छोटे कंकर डाले, छोटे छोटे कंकर डालने की वजह से सारा पानी ऊपर आ गया और फिर उस कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। ठीक है, तो आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छे से याद करनी है। आई होप आप लोगों को मजा आया, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इस कविता को और मुझे क्लास में सुनाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो क्लास हिंदी राइम। Good day everyone, bye, take care, stay in home, stay safe.